सब्सक्राइब कीजिए एस अनबॉक्सर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग रिव्यूज एक्सपेरिमेंट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एस अनबॉक्सर। तो दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं, आपके सामने एक मास्क पड़ा है, ये KN95 मास्क है। इसकी वीडियो हमने 1 ईयर पहले बनाई थी अपने चैनल पर, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जैसा कि हमने उस वीडियो में कहा था कि अगर कोई मास्क बेकार हो जाता है तो हम उसको देखेंगे कि उसमें कितनी लेयर्स थी। जो डिस्क्रिप्शन था वो मास्क का, उसके हिसाब से इसमें 5 लेयर्स की प्रोटेक्शन थी। तो आज हम उसी को चेक करने वाले हैं कि जब कोई मास्क बेकार हो जाता है तो उसकी लेयर्स अंदर से कैसे दिखती हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप वीडियो इसकी अनबॉक्सिंग की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मास्क दिखा देता हूँ। इधर आपको शायद KN95 लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये यूज्ड मास्क है, इस वजह से इसके प्रिंट्स काफ़ी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये बेकार हो चुका है इस टाइम से। आप देख सकते हैं अंदर से कैसा हो चुका है, ये आप कम से कम 7 दिन पहन सकते हैं, उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी 5 लेयर प्रोटेक्शन को। सबसे पहले मैं इसके इन स्ट्रैप्स को हटा लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना दे। काफ़ी सॉफ्ट क्वालिटी की स्ट्रैप है, आप चाहें तो अनबॉक्सिंग में जाकर देख सकते हैं, वेरी गुड क्वालिटी इन स्ट्रैप्स की, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, आपके कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा इनके से। मैंने पर्सनली यूज़ कर रखे हैं, मैंने जब से मैंने मंगाए थे 5 से 6 बार इनको और मंगा चुका हूँ। बहुत बढ़िया मास्क है ये, KN95 है, मेडिवेयर। आपको अगर ये अमेज़ॉन पर अब भी इस वक्त भी होंगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। और इसकी प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी है, वो सब आपको इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, जिसके नीचे आपको ग्लू दिख रही होगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके पहनने में, आप 1 से 2 घंटे का बहुत आराम से लगा सकते हैं। और प्रोटेक्शन तो इसकी है ही अच्छी, जैसा कि हम जानते हैं कोरोना के टाइम में हमको अच्छी प्रोटेक्शन वाले मास्क चाहिए थे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसकी बाउंड्री कट कर ली है। सबसे पहले मैं आपको इसका नोज एडजस्टेबल स्ट्रैप दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा बाहरी प्लास्टिक में नहीं है, काफ़ी अच्छी है ये। और आप इसके साइड में देख सकते हैं आपको जो छोटे छोटे से स्टील के वायर्स मिल जाते हैं, जो आमतौर पर हर वायर वाली चीज़ें मिलते हैं ताकि उनको बाइंड करके रखा जा सके पैकेजिंग के वक्त। काफ़ी अच्छी नोज स्ट्रैप है और आप अपनी नोज के अनुसार इसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी 5 लेयर्स को चेक कर लेते हैं, काफ़ी मजबूत था, काटने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई इसको, जैसा कि आप फर्स्ट लेयर देख पा रहे हैं अभी बिल्कुल जाली के जैसी है। और वीडियो का पूरा एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है ये। तो मैंने इसकी फर्स्ट लेयर को उतार लिया ऊपर से, आप देख सकते हैं किस तरीके की है इसकी फर्स्ट लेयर, ये बिल्कुल उससे मैच कर रही है जो हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी, जो आरओ के फिल्टर्स की हमने अनबॉक्सिंग करी थी, देखिए बिल्कुल जाली के जैसे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, पर आसानी से फटता नहीं है, आप देख सकते हैं। आप इसको काट सकते हैं पर इसको खींच कर फाड़ नहीं सकते, देखिए। और इसके अंदर की लेयर की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर हो गई है, ये इसकी सेकंड लेयर है, सेकंड और थर्ड लेयर बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं इसको, नहीं सेम लेयर है, काफ़ी मोटी लेयर है सेकंड लेयर इसकी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सेकंड लेयर है इसकी, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन की तरह है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी अगली लेयर की, तो यह है इसकी अगली लेयर, एक पेपर टाइप में है ये,
आप देख सकते हैं कितनी आसानी से फट गया, बहुत ज़्यादा पेपर टाइप में है ये, और ये इसकी लास्ट लेयर है, इसके बाद इसमें कोई और लेयर नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 दोस्तों ये 2 लेयर हैं जो कि आपस में चिपकी हुई हैं, आपको पता नहीं लग रहा है ये 2 लेयर हैं। तो इसमें टोटल हमको 5 लेयर्स मिल चुकी हैं, काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है। और ये वाली लेयर तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन कहते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह, पर आर्टिफिशियल कॉटन की तरह लग रही है ये, जिसको हम फाइबर भी बोलते हैं। आप देख लीजिए, बिल्कुल फाइबर लग रही है, ओरिजिनल कॉटन तो नहीं है ये, फाइबर है ये। और इसके जो अंदर की एक लेयर है वो बिल्कुल पेपर की तरह है, आप उसको पेपर ही मान सकते हैं। और देखिए ये वाली लेयर तो बिल्कुल पेपर की तरह है, इसको आप यूँ हाथ से ही बहुत आसानी से कट जाता है, बिल्कुल पेपर है यार ये लेयर तो। और पर सॉफ्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये भी कैंची से तो बिल्कुल एकदम मक्खन कटती है ये। और ये इसकी टॉप लेयर है, बिल्कुल रुई की तरह, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका गंदगी का अंदाज़ा लगा देता हूँ कि किस तरीके से लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लास्ट वाली लेयर दिखाता हूँ जो सबसे अंदर रहती है। आप लास्ट वाली लेयर को देखिए, काफ़ी ज़्यादा गंदी है ये, और इसके मुकाबले फर्स्ट लेयर को देखिए, मतलब फर्स्ट भी गंदी है पर जो लास्ट वाली है वो ज़्यादा गंदी है, क्योंकि उन लास्ट लेयर के बीच में और सेकंड लास्ट के बीच में जितनी भी डस्ट होती है बिल्कुल ट्रैप हो जाती है, उससे बाहर नहीं जा पाती वो डस्ट। और यहाँ पर एक गम लगा रखी थी, और मतलब काफ़ी अच्छा मास्क था, जितने आप पैसे देते हैं इसको उस हिसाब से पूरा वसूल लेता है मास्क। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आपको KN95 मास्क ज़रूर लेना चाहिए, 5 लेयर सिक्योरिटी होती है इसकी। और जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क होते हैं उसमें सिर्फ 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 5 लेयर मास्क को लें, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे सिक्योरिटी मिल जाएगी। और इसके स्ट्रैप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपके बिल्कुल भी कान में दर्द नहीं होने वाला, यकीन मानिए आपके कान में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ और 2 से 2.5 घंटे भी लगाता हूँ तो मेरे कान में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और इसकी एक अच्छी बात इसमें नोज़ के लिए ये है कि जैसे आपकी नोज़ है उस हिसाब से आप इसको फिट कर सकते हैं अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। आपको यहाँ पर स्टील वायर्स भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, जो कि जब हम कई बार प्रोडक्ट भी मंगाते हैं इनसे बाइंड करे हुए देखते हैं कि उसके वायर को बाइंड करा रहता है इससे, जिससे कोई इधर उधर जाए ना। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा।